नमस्ते मैं नमी श्रेया रेड्डी मैं मुंबई से हूँ और मैं अपने आप को ट्रांस वमेन कहती हूँ सो आई एम ए ट्रांस वुमेन नॉर्मली सो वी यूज टू थिंक कि हम सोचते हैं कि हमें लड़की बनना है सो so, वो वाला सपना जो था दैट आई कंप्लीटेड इन द ईयर ऑफ 2005 बट में एक चैलेंजेस जो हम सेक्सी असर में सर्जरीज का जो हमें जो बहुत सारा चैलेंजेस होते हैं, वो नॉर्मली हुआ है मेरे साथ जैसे कि 2005 में जब मैंने सर्जरी किया था मुंबई में सो so वहाँ पर मेरा इतना कुछ कॉम्प्लिकेटेड हो गया कि मेरे को वापस दोबारा करना पड़ा सो अगेन आई वेंट टू द बैंकॉक देन अगेन वहाँ पर भी मेरे को इतना कॉम्प्लिकेटेड होने लग गया फिर देन अगेन आई कम बैक अगेन इन मुंबई अगेन आई डन इन आने सर्जरी सो इस तरीके से मेरे थ्री फोर सर्जरीज होने लग गए थर्ड सर्जरीज हो चुके थे सो आई वॉज फ्रस्टेड विद माई सर्जरीज दिस इज दन ऑफ द बिग्गेस्ट चैलेंजेस फॉर द ट्रांस वुमेन की हमारे इंडिया में सर्जरिकल मतलब सेक्स असाइनमेंट सर्जरी इसका प्रॉपर प्रोटोकॉल्स नहीं है इस वजह से हमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं और हमें पता भी नहीं होता है कौन सा डॉक्टर सही है कहाँ पर हमें सही से करना रहता है दिस वॉज द वन ऑफ द बिगेस्ट चैलेंजेस फॉर एस सो अगेन आई हर्ड अबाउट द हॉलमिक हॉलमिक इज द वन ऑफ द ओनली वन एंड वन क्लिनिक फॉर द ट्रांसजेंडर पर्सन के लिए काम करता है जो इधर ओनली ऑलमिक ट्रांसजेंडर क्लिनिक इवन इफ यू सी द लेबल फॉर द हॉस्पिटल्स नेम इ रिटर्न ऑलमिक ट्रांसजेंडर क्लिनिक सो इट इट्स वर्क फॉर ओनली ट्रांसजेंडर पीपल सो वेन आई हर्ड अबाउट द ऑलमिक क्लिनिक के बारे में सो आई हर्ड मैनी थिंग्स अबाउट दिस बहुत सारे मैंने केसेस दिखा है सो दे हैव

जरी दिस वॉज द बिगेस्ट चैलेंजेस सुनने के बाद ही स्कैरी लगा था बट अगेन वेन आई डन आफ्टर विच आई फील वेरी हैप्पी बिकॉज वी डोट नो वेन एटलीस्ट कि हम पहले क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए देन जब तक हम नहीं देखते एनवायरनमेंट डॉक्टर्स के सर्जरीज के बाद जो मैं यू नॉर्मली स्पीडी रिकवरी का जो मेरा था कैपेसिटी दैट वाज अ वेरी गुड थिंग्स तो बिकॉज आई वाज गेटिंग अ स्पीडी रिकवरी सो प्रीवियस कंपेरिंग टू ऑफ माई सर्जरी दैट वॉज नॉट माई स्पीडी रिकवरी आई यूज टू स्लीप इन माई बैड फॉर द मोर देन वन मंथ सो दिस वॉज द बिगे चैलेंज इवन डॉक्टर यूज टू डिस्चार्ज विदिन एंड वीज टू गो to the home so that was the one of the biggest challenges after going home post-surgery this was the one of the biggest challenges which we cannot see properly post-surgery is kya karna so year 14 days hua surgery is okay that i have seen completely safe i can walk i can move my everything i can do my personal things also so washrooms osab. so this was the one of the biggest uh, positive things which i have done now uh, which i got now and i blessed with my good surgeries which dr narinda kaushik has given me gifts and i celebrated my diwali my birthdays all these things which of the one good things and created positive vibes and we talk about the stereotype and discrimination everywhere so normally if you see in this clinic in Olmic transgender clinic if you see a totally friendly environment we have here फ्रॉम कंपेयर टू फ्राम लोअ स्टाफ टू हाई स्टाफ तक बहुत सारे फ्रेंडली एनवायरमेंट हैं वायल डूइंग

कि फ्रेंडली एनवायरमेंट क्रिएट करने में जो ड्रेसिंग करते हैं सो वी नेवर फील पेन सो दिस वाज द थिंग्स व्हेन विच डायलेटिंग का बहुत अच्छे से होता था ये सब सो आई फील आई आई फील नाउ complete woman about myself that i got a perfect vagina plastic surgeries which i got right now so this is the things which i got positive vibes from the oil making and thanks to dr narendra kaushik and whole staff thank you very much which you have given blessed to me with this proper good surgery and i'm going to home back to and with good positive vibes thank you very much